दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आपका अपने सेफ्टी मित्र चैनल पे, जहाँ नो कॉपी पेस्ट नो टाइम वेस्ट, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा बेस्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ADIS कोर्स का इस साल एग्जाम कैसे होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। अगर ऑनलाइन होगा तो थ्योरी के पेपर कैसा होगा और प्रैक्टिकल का ऑनलाइन कैसे होगा दोस्तों। तो दोस्तों विथ प्रीवियस एग्जाम के रेफरेंस के हिसाब से, जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन का, उस हिसाब से मैं डेमो दिखाने वाला हूँ कि कैसा ऑनलाइन एग्जाम होता है, किस तरह का एग्जाम होता है। और आपके मन में सवाल होगा, यार लैपटॉप से एग्जाम देना रहेगा ऑनलाइन, या कैफे में जाना रहेगा, या मोबाइल से हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल है, मोबाइल से हो सकता है। सिंपल क्या है, कोई भी कॉलेज, जो मोस्टली कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट करते हैं। उस व्हाट्सअप ग्रुप में क्या भेजते हैं, वो एक लिंक भेजते हैं, जिस दिन का आप एग्जाम का आपका टाइमिंग होगा उस टाइम पे लिंक भेजेंगे। जब आप लिंक को क्लिक करोगे तो सिंपल सा ही ऐसा फॉर्म मिलेगा आपको। तो उस फॉर्म में देखो, ये रेड जैसा मार्क दिख रहा है आपको, वो रिक्वायर्ड, वो आपको भरना ही रहेगा, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये आप माइंड में रखो, आप अगर ये रेड शो कर रहा तो रेड में क्या क्या शो कर, जो मैंडेटरी है रहना ही चाहिए आपका, जैसे आपका नाम हो गया, फिर उसके बाद ईमेल आईडी, और जैसे इसमें ये मैंडेटरी नहीं शो कर रहा, तो कॉलेज के ऊपर वो क्या क्या मैंडेटरी रखती है, ठीक है, सीट नंबर हो गया, फिर उसके बाद एनरोलमेंट नंबर हो गया, और आपका मोबाइल नंबर, ये सब आपको डालना रहेगा। जैसे आप डालोगे उसी के नीचे में आपका क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पेपर भी रहेगा, जैसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर बोलते हैं, जैसे MCQ। तो जैसे फर्स्ट का है, मान लो आपने फर्स्ट का आंसर सेकंड को क्लिक किया तो ऐसा शो करेगा, लेकिन आप सोचे नहीं यार फर्स्ट सेकंड नहीं है, फर्स्ट है, जैसे आप फर्स्ट को क्लिक करोगे तो इस तरह का वहाँ पे क्लिक करने लगेगा, ब्लिंक करने लगेगा, जैसे ब्लू टाइप का वहाँ शो करेगा। तो इस तरह करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड 30 40 तक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो 40 में से 30 अटेम्प्ट करना रहता है, जिसका आपको आंसर जवाब देना, या सुनो जो भी आपका करेक्ट आंसर रहा, 40 में से 30 को अटेम्प्ट करना और उसका जवाब देना, जो आपको चूज करो, जैसे 40 में से आपको 30 जो आपको सेलेक्ट कर सके। जब आपको सेलेक्ट करना, जब आपको एग्जाम हो जाएगा 30 का, तो उसके बाद वो सबमिट करना रहेगा। सबमिट से पहले आपके मन में ये भी सवाल होगा, यार कितने का आंसर राइट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो 15 से 18 के बीच में है पासिंग मार्क, लेकिन आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपका कॉलेज बता देगा कि भाई कितना करेक्ट चाहिए मिनिमम, ओके ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा। अब आपको ये देखना है कि श्योर कैसे होना है कि आपका एग्ज़ाम आपने सबमिट किया सही कि नहीं। तो जैसे आप सबमिट बटन दबाओगे तो इस तरह का मैसेज आपको आएगा कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो ये अगर मैसेज आया, इसका मतलब आपने आपका जो आंसर शीट वो आपने रिकॉर्ड करवा दिया है आपके कॉलेज के फॉर्म में, जो उन्होंने जहाँ वो सेव कर रहे हैं वहाँ आपका सबमिट हो चुका है। अब आपके मन में दूसरा सवाल होगा, यार कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसा होता होगा। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो बड़ा ही सिंपल है भाई, कि मोस्टली कॉलेज मोबाइल पे लेती है, और मोबाइल पे लेती है तो इसका मतलब आप कॉलेज पे डिपेंड है कि वो आपका वीडियो कॉलिंग एग्ज़ाम ले या आपका ऑन कॉल पे ले, तो ये कॉलेज पे डिपेंड है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और अगर आप डिजर्व करते हो ज़्यादा नंबर लाने की तो बेस्ट लेके आओ आप, लेकिन अगर यहाँ वहाँ से झोल झाल कर रहे हो तो इतना ज़्यादा नंबर मत लेके आना, लाइक 98 99, क्योंकि एंट्री भी वैसा ही होने वाला है, ठीक है दोस्तों। एनीवेज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।